जो सवाल सुबह आपने मोबाइल पे टाइप करना है मैं उसका जवाब अभी दे दूंगा। ना फरमाइए आप सोशल मीडिया पे बतलाया ना कीजिएगा, मैं उसका जवाब अभी दे देता हूँ। मेरे सातवें बादशाह का दौर था, सातवें शहनशाह, मेरे मालिक जाहरी तौर पे कैद खाने में थे और हारून जाहरी तौर पे तख्त पे थे, वरना किसकी जरूरत है कि जो इमाम को कैद करे, जाहरी तौर पे कैद खाने में और जाहरी तौर पे तख्त। उसके दरबार में कुछ शाही मेहमान आए, उन्होंने कहा हमने सुना है रसूल का बेटा तेरे कैद खाने में है, इस मलाम ने कहा है, उन्होंने कहा मिलवा हमें, ज्यारत करना चाहते हैं उसकी। उसने कहा एक शर्त में करवाऊंगा, अगर वो आए तो अदब में उठवा नहीं, एहतराम सलाम नहीं करना। उन्होंने कहा मुलवा बुलवा। इसने दरोगा को भेजा, दरोगा इमाम को लेकर, इमाम जिंदान से दरबार में पहुंचे, ये मलाम उठा। इसने उठते ही अपने दरोगा को दे के कहा जिस कैद खाने से लेके आया है मूसा काज़िम को, उसकी चाबी दिखा। उसने अपने कमर पर से चाबी निकाल के हवा में लगाई। इसने कहा मेरे सारे मेहमानों को दिखा। उसने चाबी दिखा। इसने कहा ये चाबी किसकी है? दरोगा ने कहा इसके कैद खाने। ये मलाम कहकर लगा के कहता है अपने मेहमानों से, ये कहते हैं इनके पास गैब की कुंजियां हैं, ये कहते हैं इनके पास गैब की चाबियां हैं, ये देखो मेरा तनख्वाहदार मुलाजम, ताला खोला तो ये बाहर आए, ना खोले तो ये अंदर रहते, जो मेरी मर्जी के बगैर जिंदान से नहीं आता वो कायनात कैसे चला। इसने जुमला कहा दरबार में हूं का आलम हुआ, या इमाम ने कड़ियों से सब उठाया। हमारे इख्तियार में हो, अगर मैं चाहूं ये दीवार सोने की हो जाए, ना 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 मैं चाहना पड़ने लगा इनका चाहना, अगर मैं चाहूं ये दीवार सोने की हो जाए, इतना कहना था या दीवार सोने की होने शुरू हो गई, दीवार का सोने का बनना था। इमाम ने कहा मैं दीवार की बनती का, मैंने तुझे कहा ही नहीं, तू सोने की हुई क्यों? दीवार से आवाज मौलो जब आप कह रहे थे अगर मैं चाहूं तो इनमें से हराम ही अपने दिल में सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता।